तो वो रास्ते ढूंढ लेता है ऐसे खामोशी अपने खाली वक्त को बिताने की याद रखे. इसी तरह सातवीं चीज़ जो होती है जो बच्चों के हमारे तालीम में तरबियत में एक हिंड्रेंस रोड़ा है वो क्या है, हिप हॉप कल्चर जो आज का चल रहा है. हाई फाई मतलब हर चीज़ वो जो नहीं है हमको होना ज़रूरी है. फैशन करना है जिसके लिए वालदैन से ज़िद की जा रही है, पैसा लिया जा रहा है, वो चीज़ ख़रीद के लाई जा रही है, मखसूस किस्म की चीज़ें पहनी जा रही है, ओढ़ी जा रही है, खाई जा रही है, लगाई जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है, चलाई जा रही है, इसलिए कि सब करते हैं इसलिए मुझे करना. और ये कल्चर जो हिप हॉप आ गया ये वालदैन से सीखते हैं बच्चे कि वालिद साहब है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मोबाइल की रिंगटोन भी अगर चेंज करना है तो किसी को बोलते हैं ज़रा बदल के देते क्या. हालत ये है लेकिन उनके पास हैंडसेट 70,000 का, इसलिए जब वो निकालेंगे तो उसमें स्टेटस नज़र आता होगा जब निकलता बाहर हो. अच्छा स्टेटस यूज़ नहीं करना आता, यूज़ नहीं करना आता लेकिन स्टेटस. देखिए इस्लाम बिल्कुल इजाज़त देता है लाखों की चीज़ें इस्तेमाल कीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो, लेकिन यहाँ इस्तेमाल मुराद नहीं है, स्टेटस मसला. हिप हॉप कल्चर सब लोग जो इस स्टेटस के ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं ना करूँ तो मैं तो छोटा हो गया ना समाज में, लिहाजा मुझे ये चाहिए. इस्तेमाल का है तो बिल्कुल कीजिए ना, इस्लाम मना नहीं करता आपको, बिल्कुल कीजिए लेकिन आपको जरूरत नहीं है. बच्चे बोलते नहीं, अब्बा करते उनको तो रिंगटोन भी नहीं चलाना आता, मेरे को तो बुरा चलाना आता, मेरे को तो अब यही होना किसी भी हाल में होना, मेरा कोर्स की फीस ले जाके मैं इधर भर दूंगा और वहां से वो ला लूंगा उठा के, लेकिन मुझे ये चीज मेंटेन करना है. कोर्स की फीस दी, कपड़े खरीद के ला लिए, फलां दिया, गाड़ी खरीद के ला लिया, ये किया, एक नया काम करके आ गया, अब आप परेशान हैं. तो ये कल्चर जो हमने बना दिया ना ये बहुत गलत है, याद रखिए. पेरेंट्स वालदैन ध्यान दें वरना ये बच्चों की तालीम और तरक्की में आड़ बन जाता है. इसी तरह आठवीं चीज़ रसूमात और दीगर प्रोग्राम भी हमारे बच्चों